हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? अन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको यूपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवा रही है। पूरा प्रैक्टिस बैच है। आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से भी बेहतर बनाने के लिए हमें आपको सफलता दिलाना है, कुछ ऐसा ठान कर हमारी टीम आपकी प्रिपरेशन करा रही है। मैं यहाँ पर आप सभी को हिंदी विषय की तैयारी करवाऊंगी। मेरा जो है सब्जेक्ट हिंदी है और मैं आपको 300 नंबर के लिए हिंदी की तैयारी करवाऊंगी। यहाँ हिंदी में मैं व्याकरण पोर्शन के साथ साथ निबंध, संक्षेपण, विलोम शब्द सबको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगी। यह बैच 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है मेरे फ्रेंड्स, तो इस बैच से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। यहाँ पर आपको हिंदी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजियंस, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में है यूपीपीएससी मेंस की, आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो बेहतर एमसीक्यू से जुड़ना है मेरे दोस्तों। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम से जुड़ी और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। अनएकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है मेरे फ्रेंड्स, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन के लिए आपको लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ आपको टॉप एडुकेटर, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा। मेरा परिचय तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम अंकिता पाठक है। मैं यहाँ अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को हिंदी विषय की तैयारी करवाती हूँ। अनएकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करिए। मेरा रेफरल कोड है ANKYT, गेट 10% ऑफ ऑन एनी कोर्सेस। आपको किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन को करना है, आप अनएकेडमी प्लस ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपकी फीस 10% लेस हो जाएगी। एंड ऑल अबाउट अनएकेडमी प्लेटफॉर्म क्रैक यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑल अबाउट अनएकेडमी प्लेटफॉर्म, अनएकेडमी प्लेटफॉर्म क्या है? आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनएकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन के पश्चात आपको अनलिमिटेड एसेस के साथ साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड इंडिया टॉप एडुकेटर, इंडिया के सबसे बेहतरीन शिक्षक द्वारा पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ डेली लाइव क्लास होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट क्विज होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, अनलिमिटेड एसेस के साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। अगर आप किसी कारण से क्लास नहीं अटेंड कर सके, कोई परेशानी नहीं, आपने क्लास नहीं लाइव देखी, तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो प्ले कर लीजिए। आपको बेस्ट एमसीक्यू, बेस्ट प्रिपरेशन मिलने वाली है यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों, अनएकेडमी से जुड़ जाइए। यहाँ आपको फ्री मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। इन मॉक टेस्ट का क्या फायदा है? है फायदा, मैं बताती हूँ आपको फायदा। आपको खुद से पता चल जाएगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो आपका जो वीक पॉइंट होगा, अगर आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेटर बनेगी, और आपका जहाँ कमी रहेगा वह आपकी कमी दूर करने के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही बेहतर माना जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, अपने आप को अनएकेडमी प्लस पर रजिस्टर्ड करिए। अनएकेडमी प्लस पर रजिस्टर्ड होने के लिए अपने मोबाइल में अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या डाउनलोड करना है? अनएकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जिस परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं डालकर अपने पसंदीदा शिक्षक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे अब मुझे अनएकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, प्लस के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी, यहाँ 1 मंथ की फीस है 1400 रुपीज। कितनी है? 1 मंथ की फीस है आपकी 1400 रुपीज। 6 मंथ की फीस है 5600 रुपीज। ट्राई करना चाहते हो तो ये पे करो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ, वरना अगर मैम की मानोगे तो मैम कहेंगे कि बेस्ट ऑप्शन फॉर यू 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 7000 रुपीज।
ये 7,000 rupees 12 month सब्सक्रिप्शन भी 10% लेस हो जाएगा और फीस हो जाएगी 6,300 rupees। कितनी हो जाएगी? 6,300 rupees 12 month की फीस हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यहाँ 24 month की फीस है 8,400 rupees। कितनी है? 24 month की फीस है 8,400 rupees। ये फीस भी आपकी 10% लेस हो जाएगी, 24 month की फीस हो जाएगी 7,560 rupees। कैसे? मेरा रेफर कोड इंटर कर देना माई फ्रेंड, मेरा रेफर कोड है ANKYT। आप अगर आप इसका यूज करते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपकी फीस 10% लेस हो जाएगी। आइए, मैंने हमने जैसा कि बताया ही था कि मैंने पिछली दो क्लासों में आपको उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में बताया कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, कृदंत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, मैंने ये बता दिया है, आपको समझा दिया है। अब आज मैं इसी टॉपिक से जुड़ा MCQ लेकर आई हूँ ताकि आपके मन में जहां भी डाउट हो मेरे दोस्तों वो डाउट दूर हो जाए, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। कौन सा टॉपिक क्लियर करना है? उपसर्ग और प्रत्यय। आइए शुरू करते हैं, बेस्ट MCQ है मेरे दोस्तों, बस इस MCQ से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाइए। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ अपशब्द जो लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी अव्यय है। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको बताना है कि यहाँ अपशब्द क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ अपशब्द एक उपसर्ग है, शब्द के आगे अप उपसर्ग लग गया, क्या हो गया? अपशब्द बन गया। क्या है आप? अप उपसर्ग है मेरे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन में उपसर्ग है। अब आपको बताना है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी आग, ऑप्शन नंबर डी मन। चार ऑप्शन है मेरे दोस्तों आप सभी के पास, आपको बताना है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। ये रहा आपको जो है, देखो यहाँ पर आगमन शब्द में आ उपसर्ग है, गमन शब्द है, गमन शब्द है, गमन क्या है आपका? मूल शब्द है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है जैसा कि मैंने पढ़ाया था। तो आगमन शब्द में गमन उपसर्ग प्रयुक्त है, बन गया आगमन। ओके, आपके मन में जहां भी डाउट होगा कि सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, सिर्फ आप सभी इस वीडियो को देख लीजिए मेरे फ्रेंड्स, जहां भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगी आपका। रसोइया शब्द में प्रत्यय है या आ और रस, चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। अभी मैं उपसर्ग पर चर्चा कर रही थी तो बताया कि शब्द के पहले लग गया, बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। अब मैंने पूछ दिया रसोइया शब्द में प्रत्यय है, तो मेरे दोस्तों प्रत्यय क्या है? शब्द के बाद में लगता है। क्या है? शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। ठीक, आफ्टर एंड बिफोर आप लोग बड़े मन से पढ़ते हैं, आफ्टर एंड बिफोर, तो आफ्टर मतलब होता है पहले, उपसर्ग जो है आफ्टर लगता है वर्ड के आफ्टर, और जो है प्रत्यय वर्ड के बाद में लगता है, बिफोर हो जाएगा। आइए आपको बताना है रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या आ और रस। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, पोल है आपके सामने जो है, चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि यहाँ रसोइया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ इया प्रत्यय है, रसोई शब्द है, रसोई, रसोई शब्द है, रसोई, ये शब्द है, यहाँ इया प्रत्यय लग गया, इया प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? रसोइया, क्या बन गया? रसोइया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
उपसर्ग बताना है अतींद्रिय में। अतींद्रिय शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, अति, अतो, अ और अत। चार ऑप्शन है मेरे फ्रेंड्स। आपका मूल शब्द क्या है पहले ये देखिए। यहाँ अतींद्रिय शब्द में मूल शब्द क्या है? इंद्रिय है। इंद्रिय आपका मूल शब्द है। यहाँ आपके उपसर्ग लगाना है तो अति उपसर्ग लग गया, अति, और क्या बन गया? बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गया? अतींद्रिय। यह है अतींद्रिय। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। आपको बताना है कि धातु के अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्रियाद्योतक प्रत्यय, कृतद्योतक प्रत्यय, त्वदिक प्रत्यय, भावद्योतक प्रत्यय। मेरे फ्रेंड्स, मैंने जब प्रत्यय की क्लास बताई थी, पढ़ाई थी, तो बताया था कि प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय में कृत प्रत्यय होता है, त्वदित प्रत्यय होता है, त्वदित होता है, यहाँ त्वदिक लिखा है मेरे भाई ने, यहाँ त्वदित प्रत्यय होता है। तो क्या मैंने आपको बताया था धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं धातु के अंत में जोड़े जाने वाले। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे फ्रेंड्स। अधिकारी शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। अधिकारी लिखा है मेरे भाई जी ने, यहाँ पर अधिकारी होगा। यहाँ अधि उपसर्ग प्रयोग है, अधि उपसर्ग है, कारी शब्द है, कारी मूल शब्द है, कारी मतलब कार्य करने वाला, अधिकारी शब्द का अर्थ बदल गया, ऑफिसर हो गया शब्द का अर्थ, भाई ये अधिकारी है, अफसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? आपको बताना है मेरे दोस्तों कि यहाँ किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। मेरे फ्रेंड्स, आपको बता देना है कि यहाँ कहाँ अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देख लो आप, पहले शब्दों को देखना शुरू। कथ शब्द है, अ लग गया, अकथ। भेद शब्द है, अ लग गया, अभेद। यहाँ जो है चूक शब्द है, अ उपसर्ग लग गया, अचूक। अनुज, आप लोग कहोगे मैम सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है। अनुज मतलब होता है छोटा, छोटा मूल। अनुज जो है क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है अनुज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ अनुज में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। अनुज शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? आपको बताना है कि किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेर के आगे शेर का स्त्रीलिंग बना दिया गया, नी प्रत्यय लगाकर शेरनी हो गया। मोर का स्त्रीलिंग बना दिया गया, नी प्रत्यय लगाकर मोरनी हो गया। नौकर में ई प्रत्यय लगा दिया गया, नी प्रत्यय नौकरानी हो गया। सॉरी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। नौकर शब्द है, देखो नौकर, नौकर आपका मूल शब्द है। यहाँ आनी लग गया, आनी प्रत्यय जुड़ गया। क्या जुड़ गया? आनी। तो क्या हो गया? नौकरानी। क्या हो गया? नौकरानी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? सी है। कूट शब्द है, कूट में नी लग गया, कूटनी हो गया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो ऑप्शन नंबर ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन नंबर डी शब्द में किसी भी जुड़ सकता है। तो यहाँ चार ऑप्शन है। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि उपसर्ग मतलब आफ्टर, प्रत्यय मतलब बिफोर। तो यहाँ क्या सही होगा? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? शब्द के आगे।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए अधि, ऑप्शन नंबर बी अध, ऑप्शन नंबर सी अत, ऑप्शन नंबर डी अध। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। आप पहले अध्यक्ष शब्द में देखो कि मूल शब्द क्या है। क्या देखना है? मूल शब्द क्या है? अथ है। क्या है? अक्ष आपका मूल शब्द है। यहाँ पर अधि उपसर्ग लग गया, अधि क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। क्या बन गया? अध्यक्ष। तो कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अधि उपसर्ग है। अध, अत, अत तीनों गलत हैं। आपका यहाँ पर अधि उपसर्ग प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों। आइए आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। संग्राम में उपसर्ग बताना है। सन, सम, स और शत। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कितने लोगों के मन में चल रहा होगा कि यहाँ सन है मेरे दोस्तों, तो सन बिल्कुल नहीं है। यहाँ सम उपसर्ग है। सम, सम धन ग्राम। तो ये म जो है अंग की बिंदी बन गया, संग हो गया, संग हो गया, और ये ग्राम हो गया। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्तों? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? ए बिल्कुल मत लगा देना, ए बिल्कुल मत लगाना। यहाँ बी है संग्राम। क्या है? बी है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? संग्राम है। जिनके मन में ए चल रहा होगा वो गलत हो जाएंगे, तो ए बिल्कुल मत चलाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए नी, ऑप्शन नंबर बी धानी, ऑप्शन नंबर सी सी ई, ऑप्शन नंबर डी आनी। चार ऑप्शन है आप सभी के पास। आपको बताना है कि सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मेरे दोस्तों, पहले हमने बताया कि आप पहले मूल शब्द को देखो। अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है, पहचानना है कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप पहले मूल शब्द को देखो। यहाँ पर मूल शब्द है सावधान। इसमें आनी प्रत्यय लग जाएगा। आनी क्या हो जाएगा? सावधानी। ये आ जो है मात्रा बन गया। आनी सावधानी कौन सा प्रत्यय है बताइए? नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, मैं गलत हो गई। सॉरी मेरे फ्रेंड्स, मैंने गलत समझा दिया। थोड़ा सा मेरी चूक हो गई है मेरे समझने की। आइए मैं फिर से समझाती हूँ। सावधान मूल शब्द है, सावधान नहीं है। तो यहाँ पर सावधान अगर मूल शब्द है, सावधान मूल शब्द है, तो यहाँ ई प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ई प्रत्यय। क्या हो जाएगा? सावधानी। क्या हो जाएगा? सावधानी। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? आप सभी को बताना है मेरे दोस्तों कि जिंदगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, दगी प्रत्यय है, दगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब उपसर्ग किस में है? आप सभी को बताना है कि ब उपसर्ग किस में प्रयुक्त किया गया है। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। यहाँ पर किसमें ब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ दौलत मूल, देखो बदबू में जो है, बदबू में उपसर्ग पूछा है आपसे। बदबू में बू उपसर्ग प्रत्यय है, बू प्रत्यय। बदनाम में बद उपसर्ग है, बदहजमी में बद उपसर्ग है, लेकिन आपको ब उपसर्ग बताना है।
यहाँ मूल शब्द है दौलत, क्या है? दौलत है मूल शब्द, इसमें ब उपसर्ग लग गया, क्या हो गया? बदौलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? मैंने कल दुकाल की क्लास, मैंने जब उपसर्ग की क्लास बता पढ़ाई थी तो आप सभी को बताया था कि उपसर्ग जो है संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, उर्दू के होते हैं, उर्दू में ही अरबी और फारसी भी होता है। तो यहाँ आपको बताना है दुकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मेरे दोस्तों दो शब्द, काल मूल शब्द है, काल मूल शब्द है, और दो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। ये किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है, हिंदी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनना है। मच्छरदानी शब्द में आपको, मच्छरदानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? कौन सा निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प, निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प। यहाँ पर कुछ गलती है, यहाँ पर प्रयुक्त प्रत्यय होगा, प्रयुक्त प्रत्यय के लिए, प्रत्यय के लिए सही विकल्प है आपके सामने। तो यहाँ मच्छर शब्द है, मच्छर मूल शब्द है, यहाँ दानी प्रत्यय प्रयुक्त हो गया, बन गया मच्छरदानी। कौन सा प्रत्यय है? मच्छरदानी में दानी प्रत्यय प्रयुक्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। यहाँ पर निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है मेरे दोस्तों, कि यहाँ कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग सी लग रही है, लग रही है ना? लग रही है, बिल्कुल है। यहाँ पर उत है, उद है, उप है, अ है, चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। उत्कर्ण, देखिए मेरे भैया जी ने मेन क्वेश्चन ही छोड़ दिया। उत्कर्ण शब्द में, उत्कर्ण है यहाँ पर, उत्कर्ण शब्द है यहाँ पर, कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रयुक्त सही उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग बताना है। तो कर्ण मूल शब्द है, क्या है? कर्ण मूल शब्द है, यहाँ पर उत उपसर्ग लग गया। ये जो है ओ और ये आधा त है, तो यहाँ पे भी आधा हो जाएगा उत्कर्ण। कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशिक्षित में उपसर्ग है, आपको बताना है कि सुशिक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले मैंने बार बार कहा कि मूल शब्द को देखो, क्या देखना है? मूल शब्द, कि मेरा मूल शब्द क्या है। यहाँ मूल शब्द है शिक्षित, शिक्षित है मूल शब्द, यहाँ सु उपसर्ग लग गया, टू लग गया, तो क्या हो गया? सुशिक्षित, सुशिक्षित उपसर्ग बन गया, सु उपसर्ग लगकर। बी ऑप्शन राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक मूल, यहाँ धड़ाक शब्द है, यहाँ कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है? अक, आक, अप और ओक, चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। धड़ शब्द है मूल, धड़ मूल शब्द है, यहाँ प्रत्यय जोड़ना है, आक प्रत्यय जोड़ दीजिए तो हो जाएगा धड़ाक। क्या हो जाएगा? धड़ाक हो जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय जुड़ा है। कुछ लोगों के मन में अक चल रहा होगा तो बिल्कुल अक नहीं चलेगा। अगर अक आ जाएगा तो ये मात्रा कहाँ से लगाओगे? ओके, आ नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था कि उपसर्ग शब्द के पहले, उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के बाद में लगता है। कहोगे मैम यहाँ प्रत्यय ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे दोस्तों बी ऑप्शन सही है। प्रत्यय
परसर्ग कह लो या प्रत्यय कह लो, बात एक ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, आदि का अर्थ होता है आरंभ, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है मेरे दोस्तों। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, मतलब प्रारंभ में। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है? शब्द के प्रारंभ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के कहाँ जोड़ा जाता है? अंत में, क्या कहते हैं? चमास कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहते, अव्यय कहते हैं। गलत है। उपसर्ग कहते हैं? नहीं कहते मेरे दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्युन्मत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रति उपसर्ग प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उत्पन्नमति शब्द है, यहाँ प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हो गया। प्रति उपसर्ग क्या हो गया? प्रत्युत्पन्नमति। आइए मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि विलोम शब्द भी उपसर्ग के माध्यम से परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ गमन शब्द है, तो गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आपको बताना है कि गमन शब्द को विपरीत अर्थ देने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति और अनु। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। तो गमन का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? गमन मतलब होता है जाना, और आपको इसका विलोम अर्थ, विलोम बनाना है, विपरीतार्थक बनाना है। तो आ उपसर्ग प्रयुक्त करिए और बन जाएगा आपका आगमन, मतलब आना। आना, आगमन का क्या अर्थ होता है? आना होता है, और गमन का होता है जाना। आइए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको उपसर्ग टॉपिक में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा। अगर रह जाता है तो आप मुझसे कहिए, मैं फिर क्लियर करूंगी, फिर समझाऊंगी, बेहतरीन एमसीक्यू के माध्यम से समझाऊंगी। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपको बताना है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क, इक, आक और अक। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। लेख शब्द होता है, मूल शब्द क्या है? लेख। इसमें आपने अक प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अक प्रत्यय क्या बन गया? लेखक। कौन सा शब्द मिला? लेखक। तो कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। कौन सा है? अक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्तों। आज का मेरा अगला सवाल है, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आपको बताना है कि अनुज शब्द को अगर हमें स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी इया, ऑप्शन नंबर सी आ, ऑप्शन नंबर डी ई। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त करना है आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों अनुज का अर्थ होता है छोटा, छोटा। तो अनुज शब्द में अगर आप आ प्रत्यय जोड़ देंगे, अनुजा, अनुजा मतलब होगा छोटी बहन। अनुजा का क्या अर्थ हो जाएगा? छोटी बहन। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, और अनुज किस? छोटे भाई को, छोटे भाई को कहते हैं अनुज।
और छोटी बहन को कहते हैं अनुजा। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा? आ प्रत्यय होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत। ये देखो यहां पर ये जो है सुत शब्द है, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आपको बताना है कि सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाना है तो क्या हो जाएगा। सुत का अर्थ होता है पुत्र, सुता। आप प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, सुता सुता क्या है, आप प्रत्यय प्रयुक्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श। स्पृश्य शब्द है, स्पृश्य शब्द है, इसका विलोमार्थक बनाना है तो आपको कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त करना होगा? आपको बताना है कि स्पृश्य शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। तो अस्पृश्य मतलब स्पष्ट न हो। अस्पृश्य, क्लियर है आपके डाउट्स मेरे फ्रेंड्स? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आपको बताना है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। प्र है, परा है, परी है, प्रति है। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। मूल शब्द आपका क्या है? मूल शब्द है आपका कूल। यहाँ पर प्रति उपसर्ग हमने जोड़ दिया, क्या बन गया? प्रतिकूल। परिस्थितियां प्रतिकूल है, परिस्थितियां अनुकूल है। ऐसे बहुत से शब्द आप सभी अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं और सुनते हैं, तो यहाँ प्रतिकूल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार मूल शब्द है, आपको एक ऐसा उपसर्ग प्रयुक्त करना है जिसका आचार शब्द में जुड़ने पर उसका अर्थ, यहाँ आचार का अर्थ होता है व्यवहार। तो यहां जब हम अति उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अत्याचार हो जाएगा, अत्याचार। अर्थ क्या हो गया? जुल्म। तो कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर है आपका? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालू। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो बी ऑप्शन सही है, कृदंत प्रत्यय से बना है बिकाऊ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आप यहाँ आवा प्रत्यय नहीं प्रयुक्त किया गया है? दिखावा, चढ़ावा, लावा और भुलावा। दिखावा, दिख शब्द में आवा प्रत्यय है, चढ़ शब्द में आवा प्रत्यय है, भूल शब्द में आवा प्रत्यय है, पर लावा क्या है? ये मूल शब्द है। लावा क्या है? मूल शब्द है मेरे दोस्तों, लावा। आइए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है कि यहाँ किस शब्द का अर्थ समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो लोग मतलब एक से ज्यादा लोग हो गए तो समूह हो गया। गढ़, गढ़ क्या है? समूह है, कई लोगों का गढ़ है, समूह है। वर्ग भी समूह को कहते हैं, वर्ग, कक्षा, समूह है। प्रेष क्या है? प्रेष समूह वाचक प्रत्यय नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे हमने अगर कह दिया प्रेतगढ़, अगर प्रेत शब्द में, प्रेत शब्द में मैं, प्रेत शब्द में मैं गढ़ प्रत्यय प्रयुक्त कर दूं तो प्रेतगढ़ मतलब प्रेत लोगों की संख्या। वर्ग शब्द है, वर्ग में अगर मैं
वर्ग शब्द में अगर कोई भी शब्द आप प्रयुक्त कर दीजिए, जैसे कि सवर्ग, सवर्ण, सवर्ग, तो ये क्या है, यहाँ पर एक समूह का बोध होगा, वर्ग, लोग, गण, इनसे। लेकिन प्रेष शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व, व्यवस्था शब्द है, यहाँ कौन सा उपसर्ग लगाएं कि अर्थ विपरीत हो जाए। तो मेरे दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अ लगा दीजिए, अव्यवस्था हो गया। क्या हो गया? अव्यवस्था। क्या हो गया? अब जो है अर्थ बदल गया। व्यवस्था मतलब सब कुछ व्यवस्थित है, सही है। अव्यवस्था मतलब सब कुछ बेकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, पुलक और घनिष्ठ। यहाँ पर किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो मेरे सब दोस्तों, घन शब्द है, घन में इक प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है, इष्ट, इष्ट। क्या हो गया? घनिष्क। कौन सा शब्द इक प्रत्यय प्रयुक्त हो गया? सॉरी, मैंने इष्ट लिखा है, यहाँ इक प्रत्यय प्रयुक्त है। घन शब्द में इक प्रत्यय हो गया, घनिष्ठ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है कि यहाँ किस शब्द में प्रत्यय लगा है। सागर, नागर, अगर, मगर, जादूगर। जादू शब्द है, जादू शब्द है, जादू। यहाँ पर गर प्रत्यय है, जादूगर, मतलब जादू को दिखाने वाला, जादू करने वाले को जादूगर कहते हैं, मेरी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि यहाँ किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए उपकार, ऑप्शन नंबर बी लाभदायक, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई, ऑप्शन नंबर डी अपनापन। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है। यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आपको ये बताना है। तो मेरे दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग है कार शब्द में, कार मूल शब्द है। यहाँ उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बन गया उपकार। लाभदायक, लाभ और दायक, यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। पढ़ाई में ई प्रत्यय प्रयुक्त है, पढ़ाई। अपनापन में अपना शब्द है, पन क्या है, प्रत्यय है। कितना है ये पन, क्या है, प्रयत्न जो है प्रत्यय है, लेकिन आपका उपकार शब्द में उप उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है कि अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी अन, ऑप्शन नंबर सी अव, ऑप्शन नंबर डी अनु। चार ऑप्शन है मेरे दोस्तों आप सभी के पास, आपको बताना है कि अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो यहाँ पर आपका मूल शब्द क्या बनता है, वाद बनता है, वाद। मूल शब्द क्या है, वाद है, और यहाँ उपसर्ग कौन सा है, अनु है, अनुवाद हो गया। मेरे दोस्तों, क्लास को अटेंड करने के साथ साथ मैं आपसे कहूंगी कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आपकी फीस क्या है, 10%। कितनी? 10% लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप बेस्ट एमसीक्यू से जुड़ सकेंगे। तो
आपको अगर बेस्ट एमसीक्यू से जुड़ना है, अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन बेहतर बनानी है, तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफर कोड यूज करिए, ANKYT। ये मेरा रेफर कोड है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी फीस 10% लेस हो जाएगी और आपकी फीस जो है 10% कम होगी किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी क्लास के पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और बेस्ट एमसीक्यू के साथ आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ते रहेंगे। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नि, निर और निरी। चार ऑप्शन है आप सभी के पास, आपको बताना है कि निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग है, निर धनवाह। क्या है यहाँ, कौन सी संधि है, विसर्ग है। यहाँ संधि कौन सी है, विसर्ग है, निर्वाह बन जाता है, निर्वाह। यहाँ कौन सी संधि प्रयुक्त है, विसर्ग। क्या है यहाँ, कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है आपका, बताइए। निर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। यहाँ पर निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आइए मेरे दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस से जुड़ती जाइए, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वो जो घंटी जैसा सिंबल बना रहता है वो बेल आइकन, उसको दबाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बतानी है, हिंदी में कृत प्रत्यय कितने होते हैं आपको बताना है कि कितने कृत प्रत्यय हैं। 28, 30, 42 और 50। मैंने प्रत्यय टॉपिक को पढ़ाया तो मैंने क्लियर में सब पढ़ा दिया है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपसे पूछा है तो कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। कृत प्रत्यय कितने हैं, 42। कृत का क्या है, कृत प्रत्यय में क्या है, कर्ता का पता चलता है। मैंने वीडियो में आपको डिटेल में जब पढ़ाया है तो समझाया है कि किसी भी शब्द के अर्थ से परिभाषा निकालना सीखिए। हम लोग छोटे बच्चे या छोटी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं कि हम जो है किसी भी चीज को समझे ना केवल याद करें, हमें अपनी प्रिपरेशन समझ कर करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कृदंत। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, आपको बताना है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको यहाँ जवाब देना है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि कृदंत प्रत्यय तो किसके साथ जोड़ते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया वहां पर आपको बताया है कि कृत का अर्थ होता है क्रिया, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं और सदैव तत्सम रूप में जुड़ते हैं। क्या है, तत्सम रूप में। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से लगने से बना है, इनमें कौन सा पद गलत है। यहाँ आपको बताना है कि एक प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, दैविक, सामाजिक, होमिक, पक्षिक। देखते हैं, दैविक दैव शब्द है, दैव मूल शब्द है। यहाँ एक प्रत्यय लग गया, क्या बन गया, दैविक बन गया। समाज मूल शब्द है, समाज।
यहाँ एक प्रत्यय लग गया, क्या है? एक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सामाजिक। भौम, भूमि शब्द, भौमिक शब्द है भौम। भौम शब्द नहीं होता, भौम शब्द नहीं होता मेरे दोस्तों। यहाँ सी ऑप्शन सही है, भौमिक में एक प्रत्यय नहीं है, पक्ष मूल शब्द है, पक्ष आपका मूल शब्द है। यहाँ एक प्रत्यय लग गया तो बन गया पक्षिक, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। भौमिक में एक प्रत्यय नहीं प्रयुक्त है। भौमिक क्या है? सार्वभौमिक। यहाँ पर भौमिक होता है, यहाँ सार्व सर्व उपसर्ग लग जाता है, सर्व उपसर्ग प्रयुक्त होता है तो बन जाता है सार्वभौमिक। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? आपको बताना है कि यहाँ किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। अभियोग, योग शब्द में अभी उपसर्ग लगा, अभियोग बन गया। व्यायाम मूल शब्द है, यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है तो अप शब्द है, यहाँ पर अप, यहाँ मान मूल शब्द है, क्या है? मान मूल शब्द है, यहाँ अप उपसर्ग लगा है तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? अप उपसर्ग प्रयुक्त है तो क्या बन गया? अपमान। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही? इनमें से कोई नहीं। यहाँ चारों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन क्या है? उपसर्ग के प्रयोग से बने हैं। आयाम में व्यय उपसर्ग लग गया है, आयाम शब्द है, आयाम मूल शब्द होता है, आयाम, यहाँ व्यय उपसर्ग लग जाता है, व्यय, तो क्या बनता है? व्यायाम। तो यहाँ तीनों शब्द उपसर्ग के प्रयोग से बने हैं, इसलिए इनमें से कोई भी प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेइंसाफी, कहते हैं ना, अरे उसके साथ बड़ी बेइंसाफी हुई, बड़ी रहमी से उसका कत्ल कर दिया गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब किसी का एक के साथ कोई दुर्घटना घटती है, किसी के साथ कोई गलत कार्य होता है, तो आप कहते हैं बड़ी बेइंसाफी हुई बेचारे के साथ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए वे, ऑप्शन नंबर बी इन, ऑप्शन नंबर सी बे, ऑप्शन नंबर डी बे इन। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। आपको सही जवाब लगाना है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो मेरे दोस्तों, पहले हम मूल शब्द देखते हैं। इंसाफ, इंसाफी, क्या है? इंसाफी। यहाँ पर बे उपसर्ग हमने लगा दिया, बे उपसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? बे इंसाफी। बे ऑप्शन सही है। इन बे और बे इन, तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। गलती से भी मत लगाना, गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बे सही है। यहाँ कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है मेरे दोस्तों? बे उपसर्ग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है, सुयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने मेरे फ्रेंड्स। आपको बताना है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग रहित है, मतलब क्या है यहाँ? ये आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए। यहाँ कौन सा शब्द जहां उपसर्ग रहित, मतलब उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं लगा है? सुयोग में योग मूल शब्द है, सु उपसर्ग लगा है। विदेश में वी उपसर्ग लगा है। अधिक शब्द में अति उपसर्ग लगा है, लगा है ना? यहाँ अति उपसर्ग है, यहाँ विदेश में वी उपसर्ग है और सुयोग में सु उपसर्ग है, सब में उपसर्ग है। पर सुरेश शब्द मूल शब्द है, क्या है? मूल शब्द है, यहाँ कोई भी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहाव,
मेरे दोस्तों बहाव शब्द है, यहां कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, आपको बताना है कि यहाँ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बह, ऑप्शन नंबर बी हाव, ऑप्शन नंबर सी आव, ऑप्शन नंबर डी आवा। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको बताना है कि बहाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मेरे दोस्तों मूल शब्द है बह, क्या है बह है, यहाँ आव उपसर्ग प्रयुक्त कर दिया गया, क्या हो गया बहाव, क्या हो गया बहाव, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो मेरे दोस्तों मैंने बार बार समझाया, बार बार समझाया कि पहले मूल शब्द देखेंगे, तो मूल शब्द है ज्ञान, यहाँ कौन सा उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, बन गया विज्ञान। ज्ञान शब्द में अगर हमने वि उपसर्ग प्रयुक्त किया तो क्या बन गया विज्ञान। आइए मेरे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिर आयु में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, उपसर्ग बताना है, ध्यान देना, गलती से भी प्रत्यय मत समझ बैठना। ऑप्शन नंबर ए ची, ऑप्शन नंबर बी चिर, ऑप्शन नंबर सी यू, ऑप्शन नंबर डी आयु। तो यहाँ आपका मूल शब्द पहले देखो ना, आयु है मूल शब्द, यहाँ चिर उपसर्ग लगा दिया गया है, चिर उपसर्ग क्या बन गया चिरायु बन गया। ची और ये र और ये आ की मात्रा दीर्घ संधि हो गई, चिरायु हो गया। कौन सा उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग है, संधि अगर कभी पूछ दे तो कौन सी लगाओगे, दीर्घ है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ दीर्घ संधि है। अभी मैंने दीर्घ संधि, अभी मैंने संधि टॉपिक को नहीं पढ़ाया, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगी, संधि भी बेटर है। और बहुत ही कहते हैं संधि का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मेरे बिल्कुल नहीं होते, मैं एकदम क्लियर कर दूंगी कि संधि कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंध धु धुंधला, चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको बताना है कि धुंधला शब्द में कौन सा, क्या पूछा है, प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है, क्या है प्रत्यय। तो मेरे दोस्तों मूल शब्द है धुंध, बहुत धुंध छाई हुई है, यहाँ लास्ट शब्द लगा दिया, तो कहते हैं बहुत धुंध छाई हुई है, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, यहाँ ला प्रत्यय का प्रयोग है, बन गया धुंधला शब्द। ओके, आइए मेरे दोस्तों आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है दोषहर्ता, दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मैंने बार बार पूरी क्लास में आपको सिखाया कि पहले मूल शब्द फिर प्रत्यय, पहले मूल शब्द फिर उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग शब्दांश को उसके अकॉर्डिंग, उपसर्ग रखना है तो पहले रखो, प्रत्यय रखना है तो बाद में रखो, यहाँ आपका मूल शब्द है दोष, प्रत्यय पूछा है तो यहाँ पर आप लगा दोगे हर्ता, कौन सा प्रत्यय हो गया दोषहर्ता। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, दोषहर्ता प्रत्यय है यहाँ पर। मेरे फ्रेंड्स आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आप सभी को क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को सब्सक्राइब करिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को दबाइए। आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ये बेल दबा दीजिए, इस बेल को ऐसे दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करिए, ANKYT, गेट 10% ऑफ ऑन एनी कोर्सेस। आज की क्लास के लिए मेरे फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू गाइस।